बांसवाड़ा कोतवाली पुलिस ने हनी ट्रैप के मामले में एक अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है, जिसमें पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। शहर कोतवाल रतन सिंह चौहान ने बताया कि मंदारेश्वर रोड निवासी मोहसिन मंसूरी ने 5 अप्रैल को लिखित रिपोर्ट दी थी। उसके साथ ही कुछ लोगों ने मारपीट की और उसके कपड़े उतारकर अश्लील वीडियो बना ली, जिसके बाद उसको धमकी दी गई कि अगर उसने उनको 15 लाख रुपए नहीं दिए तो वो लोग उसका वीडियो वायरल कर देंगे। शहर कोतवाल रतन सिंह चौहान ने बताया कि पीड़ित की दुकान पर 9 मार्च को मीनल दुबे खरीदारी करने के लिए आई थी और ऑनलाइन भुगतान करने के लिए मोबाइल नंबर मांगा, लेकिन भुगतान नहीं हुआ, जिसके बाद आरोपी मीनल दुबे ने शाम को व्हाट्सएप पर उसको मैसेज भेजे। जब पीड़ित 10 मार्च को रात को उदयपुर जा रहा था, तब आरोपी मीनल दुबे ने भी कहा कि उसको उदयपुर जाना है। उस पर वो उसको कार में लेकर उदयपुर गया। जैसे ही पीड़ित वहां पहुंचा तो कुछ देर में वहां पर और लोग आ गए और उसके साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। और इस विषय पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता सुभाष मेहता जुड़ चुके हैं। सुभाष, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जो आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं, उनसे क्या कुछ जानकारी अब तक प्राप्त हो पाई है? ये गिरोह काफी समय से काम कर रहा था और ये जो रतलाम निवासी मिंगल दुबे है, उसके माध्यम से लोगों को हनी ट्रैप में फंसाने का काम करता था, जिसके चलते कई लोग अभी तक से फंस चुके हैं। पुलिस विशेष अनुसंधान कर रही है और किस किस से अभी तक ये डूब चुके हैं, इक्वायरी करते बात कर रही है। जी, तो पुलिस की गिरफ्त में तीन आरोपी आए हैं, अब तक कितने मामलों को इस तरह से अंजाम दे चुके हैं ये लोग? अभी तक ये अनुसंधान चल रहा है और पुलिस उससे पूछताछ कर रही है कि कहां कहां इन्होंने रजनी ट्रैप किया है। अभी विशेष जानकारी पुलिस ने दी नहीं है, लेकिन अभी भी अनुसंधान चल रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।